तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बता दिया हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो बीएस सेकेंड ईयर होता है उसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नंबर एक होता है अति लघुत्तरीय, दो नंबर होता है लघुत्तरीय और तीन नंबर होता है विस्तृत उत्तरीय यानी दीर्घ उत्तरीय। ये तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, बहुत सा जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में होने वाले हैं सारे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होने वाले हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, ये सिर्फ ना कि एक ही यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है, ये जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो में जो है, छायावाद का आरंभ किस कब की रचना से माना जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो छायावादी युग था, आप लोगों को मालूम ही है, उसका आरंभ कवि कौन से कवि की रचना से माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कैसा देना, मैंने बता दिया कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो यानी एक से दो लाइन में आप लोगों को इसका आंसर देना है क्वेश्चन का। ठीक है, तो जैसे लिखा है छायावादी, आपको आंसर में लिखना है छायावादी का आरंभ किस रचना से किया गया, जिस रचना का नाम है उसका नाम लिखना है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झरना। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है छायावाद का आरंभ, ठीक है, झरना रचना से माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट में आप लोगों को आंसर लिखना है, ज़्यादा लॉन्ग लिखना नहीं, क्योंकि ये अति लघुत्तरीय सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में, बस आप एंड तक बने रहिएगा, आई होप आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों के नाम लिखिए। तो जो भारतेंदु युग के जितने भी प्रगतिशील कवि थे उनका नाम आप लोगों को लिखना है, यानी कि कम से कम आप 4-5 लिख दीजिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कितने लगभग हो जाएंगे, मैं एक दो बता दूंगा आप लोगों को भी। तो इसका तो राइट आंसर आप लोगों को बता दिया मैंने, 3 से 4 कवि का नाम लिख देना है। ठीक है, आप लोगों को लिखना है भारतेंदु युग के प्रगतिशाली कवि श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और दूसरा हो जाएगा आप लोग लिख दीजिएगा कॉमा करके प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आप अपने सीरीज में पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पर भी सर्च कर लीजिएगा, मैंने दो बता दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। तो मैथिली शरण जी किस युग के कवि हैं आप लोगों को बताना है। मैंने फिलहाल किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर फिलहाल एक दो को मैंने भी ऊपर बता दिया है, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं निकाला है। निकालने का रीज़न ये है कि आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करिए थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आंसर आप लोगों को लिखना है। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं आंसर भी बताऊँ तो कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैथिली शरण जी गुप्त जी किस युग के कवि हैं, किस युग के कवि हैं, चलिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव और तिरोभाव कब हुआ। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका आविर्भाव और तिरोभाव किस सन में हुआ वो आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर सन आपको डाल के लिखना है सन, ठीक है, उसके बाद जिस सन में हुआ वो लिख देना है आगे। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों में आ जाए जयशंकर प्रसाद की जगह प्रसाद जी आ जाए। ठीक है, तो समझ जाइएगा कि ये जयशंकर प्रसाद जी ही हैं, क्योंकि शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि प्रसाद का आविर्भाव और तिरुभाव कब हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कब प्रकाशित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार भी पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को ध्यान देना है जिस सन में रचना प्रकाशित हुई है उसको आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म और कब और कहाँ हुआ था। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो ये आप लोगों को सन लिखना है और कहाँ पर किस स्थान पर हुआ था उसका नाम लिखना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैथिली नहीं होगा तो गुप्त का नाम जन्म और कहाँ हुआ था, ये आप लोगों को ऐसे समझ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का नामकरण किस कवि ने किया था। लिखिए, जो छायावादी युग है उसका नामकरण किस कवि ने किया था उसका नाम लिखना है आप लोगों को। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, बस आप लोगों को एक ही लाइन में लिख देना है। ठीक है, जो लगे आपको दो लाइन में लिखने वाला हो दो लाइन में लिखिएगा, अदरवाइज एक लाइन में लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जयशंकर प्रसाद के काव्य संसार पर प्रकाश डालिए। तो जो जयशंकर प्रसाद के काव्य संसार है उन पर प्रकाश डालना, प्रकाश डालने का मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि लंबा है, लंबा नहीं है, बस आप लोगों को काव्य जो है ना उसका नाम लिख के उसके आगे आप लोगों को थोड़ा एक दो लाइन बढ़ा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छायावाद की समय सीमा कब से कब तक थी। तो जो छायावादी युग था उसका समय सीमा यानी कि किस सन से स्टार्ट हुआ और किस सन तक था, तो ये ही आपको इसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर मिला है। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनको मंगला प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर मिला है, उस रचना का आप लोगों को इसमें नाम लिखना है, ठीक है। जो भी रचना हो आपको लिखना है यहाँ पे। जिन स्टूडेंट को मालूम प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन ये सारे मैंने PDF भी तैयार कर लिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ मिल जाएंगे ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप कहाँ से ईजिली अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, ठीक है। भारतेंदु युग के किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जो भारतेंदु युग की किन्हीं चार विशेषता हैं उनको उल्लेख करना है, यानी कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है 3 लाइन 4 लाइन में लिख देना है, क्योंकि विशेषता को थोड़ा बहुत उल्लेख करना है, क्योंकि जो भी मेन उसकी फीचर्स थे वो आप लोगों को उसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नामों उल्लेख कीजिए। आप मत कन्फ्यूज होइएगा कि नामों उल्लेख का मतलब कि बहुत डिटेल में लिखना, डिटेल में नहीं लिखना, बस द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनको आप लोगों को नाम लिखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य का जनक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य का जनक कौन है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर बताना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा तो शायद इसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत के बचपन का मूल नाम क्या था। तो जो सुमित्रानंदन पंत जी थे उनके बचपन का नाम क्या है आप लोगों को लिखना है। तो हो सकता है यहाँ पर सुमित्रानंदन ना रहे, सिर्फ पंत आ जाए, तो आप समझ जाइएगा इनका नाम ये क्वेश्चन पूछ रहा है सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। क्योंकि सुमित्रानंदन कभी कभी नहीं आता, सिर्फ पंत लिख के आ जाता है कि पंत के बचपन का क्या नाम है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किसी युग की रचना है। तो जो कामायनी है आप लोगों को शायद मालूम है किसकी रचना है, ठीक है, किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, किसकी है, या फिर हजारी प्रसाद की है, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, दो ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी का क्या नाम था। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे उनकी पत्नी का क्या नाम था, आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि निराला की पत्नी का क्या नाम था, हो सकता है ये इतना बड़ा नाम ना दिया जाए उसमें, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रगतिवाद युग कब से कब तक माना जाता है। तो प्रगतिवाद इसमें लिखा है, युग नहीं लिखा है, किसी किसी क्वेश्चन में युग नहीं लिखा होता है, तो आप समझ जाइएगा प्रगतिवादी युग, छायावादी युग, ठीक है, ये सब युग होते हैं। तो कब से कब तक था इसका जो सन था, कब से कब तक था, ये आप लोगों को लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कब से कब तक था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रयोगवाद का जन्म किसके विरोध से हुआ था। तो जो प्रयोगवाद युग था उसका जन्म किसके विरोध से हुआ है, तो इसको आपको लिखना है आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उनका जन्म कहाँ और किस सन में हुआ था, ये लिखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि छायावाद किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आविर्भूत हुआ है। जो छायावादी युग है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आविर्भूत हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। अदरवाइज मैं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चनों का आंसर कहां पर बताऊंगा ये मैं आप लोगों को बता दूं पहले, ये सारे क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे ये पहले प्रोसेस में आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो जितने आज के इस वीडियो मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, इनकी मैंने PDF तैयार कर ली है। इस PDF में मैं और भी क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन के लगभग ऐड कर दूंगा। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ मिलेंगे मैं आपको ये पहले बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे लिखा है www.sandeepinfo.com। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे नए गूगल पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। तो वेबसाइट पे जैसे आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा BA सेकेंड ईयर
हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर, उस पर क्लिक करेंगे, पेज ओपन होगा और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, बस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप आंसर भी चाहते हैं तो आंसर बता दीजिएगा, मैं आंसर निकाल के भी उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक लिंक भी है, उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं, उस पर भी आप कुछ पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% देता हूँ। और हाँ, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मैंने बहुत सारी वीडियो BA की बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब्जेक्ट वाइज भी। तो अगर अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप देखिए और आपके एग्ज़ाम में पूरी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई देता हूँ। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।